हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सकलानी। और जैसे कि हमारी IBPS AFO की सीरीज चल रही है, जिसमें रोज आपके लिए क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश और एग्रीकल्चर के नई नई वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर के कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले भी जो वीडियो आई थी उसमें भी हमने हॉर्टिकल्चर के कुछ 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे। आज फर्दर हम 10 और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मृग बहार क्रॉप फ्लावर्स इन जून जुलाई एंड फ्रूट्स इन। तो आपको बताना है कि मृग बहार जो तीन टाइप के फ्लैशेस होते हैं, वी हैव सीन इन गुआवा, तीन बार इसमें फ्लावरिंग आती है। ठीक है, तो इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। फर्स्ट वन इज अंबे बहार, देन वी हैव मृग बहार एंड हस्त बहार। तो साल में तीन बार इसमें फ्लावरिंग होती है एंड तीन बार फ्रूटिंग भी होती है। अंबे बहार में जो है इसमें फ्रूटिंग जो है वो होती है हमारे जुलाई सितंबर के मंथ में अंबे बहार में होती है। देन इसमें पूछा है कि मृग बहार में कब होती है, तो मृग बहार में इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड जनवरी इसमें फ्रूटिंग होती है, जबकि फ्लावरिंग हो जाती है जून जुलाई में। हस्त बहार में होती है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड अप्रैल। फेब्रुअरी टू अप्रैल के मंथ में हस्त बहार में क्या होती है, फ्रूटिंग होती है। इसमें से सबसे अच्छी मानी जाती है दैट इज मृग बहार। मृग बहार जो विंटर के सीजन में इसमें फ्रूटिंग होती है, दैट इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज एज पर थर्ड एडवांस एस्टिमेट। सो यू मस्ट हैव सीन कि थर्ड एडवांस एस्टिमेट अभी अक्टूबर के मंथ में ही रिलीज हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का जो थर्ड एडवांस एस्टिमेट रिलीज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग टोटल हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन इज हाईएस्ट इन उत्तर प्रदेश। सो आपको एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी गई है कि उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन था। नाउ यू हैव टू टेल मी कि सेकेंड नंबर पे कौन सा स्टेट था, इट वॉज फॉलोड बाय विच स्टेट। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वॉज द सेकेंड लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ टोटल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। आप इस स्निपेट में भी देख सकते हैं कि फर्स्ट वॉज उत्तर प्रदेश, देन सेकेंड है हमारा मध्य प्रदेश एंड थर्ड इज वेस्ट बंगाल। ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। इट सेज द स्टेट विच इज लीडिंग इन मैक्सिमम एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ बनाना। सो उसी एडवांस एस्टिमेट, थर्ड जो एडवांस एस्टिमेट आया हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का, उसी के अकॉर्डिंग विच इज द लीडिंग स्टेट इन द एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ बनाना। सो यू हैव टू आंसर दिस। तो द आंसर टू द क्वेश्चन इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द स्टेट दैट इज लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ बनाना। फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड थर्ड वन इज गुजरात। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ सेज नेम द ट्रेनिंग सिस्टम। सो सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम, जिसमें हम ट्रेनिंग में बेसिकली क्या करते हैं, जो प्लांट के पार्ट्स हैं उनको कट किया जाता है टू प्रोवाइड अ डिजायरेबल शेप ऑफ द प्लांट, सो दैट इट ग्रोज इन अ बेटर वे। इसकी बेटर ग्रोथ के लिए वी गो फॉर ट्रेनिंग सिस्टम। तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द ट्रेनिंग सिस्टम। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम, लाइक सेंट्रल लीडर सिस्टम, ओपन सेंट्रल सिस्टम एंड मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। अलग अलग टाइप के ट्रेनिंग सिस्टम होते हैं, उसकी बेसिकली यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन स्टेम इज अलाउड टू ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन हाइट ऑफ अबाउट 1.5 टू 1.8 मीटर तक की हाइट के लिए जो मेन ट्रंक है उसको इट इज अलाउड टू ग्रो एंड देन उसके बाद इट इज कट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लेटरल ब्रांचेस। सो यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि अप टू अ सर्टेन हाइट इसको ग्रो करने दिया जाता है एंड देन इट इज हेडेड बैक सो दैट लेटरल जो ब्रांचेस हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाए। तो ये किस में होता है,
दिस हैपेंस इन ओपन सेंटर सिस्टम में ये होता है. वेयर एज सेंट्रल लीडर सिस्टम में क्या करते हैं, जो मेन ब्रांच है दैट इज अलाउड टू ग्रो, तो उसकी हाइट को हम स्टॉप नहीं करते हैं, उसको ग्रो करने देते हैं, ठीक है. वेयर एज ओपन सेंटर सिस्टम में हम उसको हेड बैक कर देते हैं एंड देन इट इज अलाउड टू ग्रो. मॉडिफाइड लीडर सिस्टम में क्या होता है, जो सेंट्रल लीडर सिस्टम है उसी का मॉडिफिकेशन किया जाता है. इसमें मोर देन 1.5 मीटर, मतलब अप टू मोर देन 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट तक मेन ट्रंक को ग्रो किया कर देने, मतलब इट इज़ अलाउड टू ग्रो एंड देन लेटरल शूट्स भी उसमें लेटरल शूट्स भी ग्रो करती हैं, ठीक है. सो दैट इज मॉडिफाइड लीडर सिस्टम. देन क्वेश्चन नंबर 5 सेज डैश इज अ प्रोटियोलिटिक मिक्सचर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पाइनएप्पल. सो पाइनएप्पल The scientific name is Ananas comosus. Pineapple में इनमें से कौन सा proteolytic mixture obtained होता है? Is it pepain, oleoresin, bromelain, capsaicin or all of these? So the answer to the question is bromelain. Okay? So इसमें bromelain होता है. Pepain होता है papaya में. It is obtained in papaya and capsaicin जो होता है that is obtained in chili. Chili में it is found. Okay, moving to next question, question number 6th, it says hen and chicken and grapes is due to the deficiency of. So deficiency disorders hote hain grapes mein aur bhi bahut sare fruit crops hain, unke deficiency disorder are very important for your exams, theek hai. So isme question pucha hai ki hen and chicken jo एक डिसऑर्डर होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, हैन एंड चिकन डिसऑर्डर में क्या होता है, कुछ जो ग्रेप्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है एंड कुछ ग्रेप्स का साइज छोटा रह जाता है. एज यू कैन सी हियर, कुछ छोटे हो जाते हैं कुछ बड़े रह जाते हैं. सो ये जो डेफिशिएंसी है ये कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी से होता है, ये जो डिसऑर्डर है कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी से होता है. सो इट इज ड्यू टू बोरॉन. बोरॉन की डेफिशिएंसी से हैन एंड चिकन डिजीज ऑफ ग्रेप्स होता है. देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, इट सेज बटनिंग इन कॉलीफ्लावर इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ. सो ये दूसरी एक और डेफिशिएंसी से क्वेश्चन है कि बटनिंग इन कॉलीफ्लावर, बटनिंग में क्या होता है, जो इसका कर्ड फॉर्मेशन होता है ना कॉलीफ्लावर में, बेसिकली कर्ड फॉर्म होता है दैट इज कॉम्पैक्ट. तो जब ये कॉम्पैक्ट नहीं रहता है एंड ऐसे इसमें राइसिनेस टाइप की आ जाती है, अलग अलग ये फॉर्म कर ले जाते हैं, ये कॉम्पैक्ट नहीं रहता, उस कंडीशन को कहते हैं बटनिंग. एंड बटनिंग किसी कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी से होती है, इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 सेज बंची टॉप ऑफ बनाना. सो बंची टॉप ऑफ बनाना इज कॉज्ड बाय बंची टॉप वायरस. It is a viral disease. Bunchy top virus causes the bunchy top of banana and which is caused due to virus. It is transmitted by. तो आपको इसमें बताना है कि vector क्या है इसका. So इसका vector है aphid. Aphid named Pentelonia nigronervosa. ओके, सो पेंटेलोनिया निग्रोनर्वोसा इज द नेम ऑफ द एफिड दैट कॉजेज द बंची टॉप ऑफ बनाना. दैट इज अ वेक्टर फॉर इट. ओके, कॉज तो वायरस से होता है बट दैट इज अ वेक्टर दैट स्प्रेड्स. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, इट सेज इररेगुलर बियरिंग मैंगो वेराइटी इज. सो मैंगो में अभी नो दो टाइप की वेराइटीज होती है, कुछ होती है जो रेगुलर बियरिंग होती है. रेगुलर बियरिंग मीन्स हर साल उसमें फ्रूटिंग होती है. वेयर इज इररेगुलर बियरिंग आर दी ऑल्टरनेट ईयर्स में जिनमें फ्रूटिंग होती है, मतलब एक साल छोड़ के एक साल फ्रूटिंग होती है. सो दोज आर दी ऑल्टरनेट बियरिंग. सो कुछ वेराइटीज होती हैं विच आर ऑल्टरनेट बियरिंग, कुछ वेराइटीज होती हैं विच आर रेगुलर बियरिंग. सो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी मैंगो वेराइटी इज इरेगुलर बियरिंग. दिस वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन IBPS AFO के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आप उनमें एनालाइज करेंगे. सो दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड देयर. सो इसका आंसर है केसर. केसर इज अ वेराइटी ऑफ
ऑफ मैंगो दैट इज फ्रॉम गुजरात. ओके, गुजरात स्टेट से है केसर वेराइटी एंड इट इज इरेगुलर बियरर. और जो ये सारी वेराइटीज हैं दैट इज तोतापरी, आम्रवाली, नीलम एंड हिमसागर, दीज ऑल आर रेगुलर बियरिंग वेराइटीज. अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो वेराइटीज हैं कौन कौन से स्टेट्स की हैं, ठीक है, कहाँ पर जनरली इनको ग्रो किया जाता है. देन क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज लोकेटेड एट. सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च जहाँ पर वेजिटेबल क्रॉप्स पे रिसर्च की जाती है एंड उसमें नए लाइक कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस, जो न्यू टेक्निक्स हैं उनको उन पे रिसर्च की जाती है. तो वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड एट वाराणसी. सो वाराणसी इज द प्लेस वेयर इट इज लोकेटेड. सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट येट सो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल. आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस हम लेते आते रहेंगे. अगर आपको चाहिए कि कोई स्पेशल टॉपिक है जिसपे आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस डिस्कस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. थैंक यू.